या देखो तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आराम का जरिया बना दिया। अगर देखिए ना कि अगर रात ही ना होती तो फिर बंदा तो अगले दिन काम भी ना कर सकता। नहीं, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ला यकीनन जू फजल फजल वाला है अलन्ना से लोगों पर। अल्लाह का लोगों पर देखो बड़ा फजल है, रात बनाए दिन बनाए और अल्लाह की बेशुमार जो नेमतें एहसानात हम पर हैं पढ़ के आए हैं। अल्लाह की नेमतें और एहसानात इतने हैं कि तुम उन्हें शुमार ना कर सको। इसके बावजूद कहा जा रहा है वलाकिन, लेकिन अक्सर ना से अक्सरियत लोगों की ला यशकुरून के शुक्र नहीं अदा करते। देखो शुक्र ये देखो जो ईमान नहीं लाए वो उन्हें तो शुक्र ये करना चाहिए था। जैसे पढ़ा है जब मुसीबत आती है तो फिर अल्लाह को याद करते हैं, ओ लंबी लंबी दुआएं करते हैं, और जब वो अल्लाह वो तकलीफ दूर कर देता है तो फिर उसे भूल जाते हैं, जैसे उन्होंने कभी इस मुसीबत के लिए अल्लाह को कभी याद ही नहीं किया था। तो ये कुफ्रान नेमत करते हैं, अल्लाह का ना शुक्री करते हैं। ज़ालिकुम ज़ालिकुम अल्लाह को ज़ालिकुम कुम सुन, पता है ज़ा है असल इशारा, इसम इशारा, कुम है ए मुखातब, एक को भी मुखातब ज़ालिका, ज्यादा मुखातब हम ज़ालिकुम, दो मुखातब हम ज़ालिकुमा, तो ज़ालिकुम अल्लाह ओ ये है अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब, जिसकी ये नेमतें हैं, जिसके ये इनामात हैं, जिसके ये एहसानात हैं। खालिक कुल्ले शई, हर शय का खालिक है। ला इला, नहीं कोई ला इल्ला मगर होगा वो। फा तो अन्ना, अन्ना नहीं बेर फ्राम कहाँ, तो फकुन, तो फकुन जो वर्ड है ना वो असल में है अलफ फे काफ, अलफ अमदा होता है ना अभी कह लो अमदा या, क्योंकि अलफ जो है वो तो किसी लफज का मादा नहीं है, हमजा मादा है। तो ए वाओ जो है ना जी, ये वाओ असल अरबी की एक खिताबत कह लो, या इन फिर वाओ नू कह दें हमजा की कुर्सी है, अदरवाइज वर्ड ये है बस इस हमजा फे और काफ, अलफ फे और काफ। इफक इफक मैंने कहा झूठ बोलना तो मतलब ये झूठ बोलना अपनी गल से फिर जाना, तो ये कहा जा रहा है देखो सारी कुदरतें अल्लाह की हैं, ये उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते वो, देखो फअन्ना ये कहाँ से तो फकून फिराए जा रहे हैं, मौजूदा सी है इफक फिरना झूठ बोलना, तो फकून फिराए जाना, मतलब ये देखो ये कहाँ फेरे जाते हैं। अल्लाह ताला ने इतने दिलाए, इतने मौजे, इतने इनामात, इतने एहसानात के बावजूद इनकी अकल को क्या हो जाता है, इनामात एहसानात नेमतें कुदरतें अल्लाह की, और ये नजर न्याज और इबादत जाके फिर गैर अल्लाह की करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाया फाना तो फकून, और ये कहाँ से फेरे जाते हैं, बहकाए जाते हैं, तो यानी इनकी अकल को क्या हो जाता है। कदारे का इसी तरह यो फकू फहराए जाते थे अल्लाह जीना, वो लोग कानू जो थे जो पहले जो थे ना, क्या जी पहले मुनकरीन भी ऐसे ही काम करते थे, वो भी ऐसे ही फिर जाते थे जो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। कानू उसे भी आयात अल्लाह की आयत का यज हदून जीम हे दाल जहूद, इनकार करना, जो पहले भी किया जा रहा है जो पहली कौम के लोग सर ना मुनकरीन है, वो भी फिर ऐसे ही फेरे जाते थे कि हर शह जो अल्लाह की नेमतें एहसानात अल्लाह के वादे। देखो कुरान पढ़ो, हर दूसरे सफ़े पे अगर एक पे नहीं तो तौहीद का, रसालत का, आखिरत का, आपको दलाइल भी मिलेंगे जिक्र भी मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है इतने दलाइल के बावजूद तो इन्हें कौन फेर देता है उलट पर। अल्लाह अल्लाह वो है अल्लाह जी जिसने जाला बनाया अल्लाह को मुल तुम्हारे लिए जमीन को करारा करारगा बनाया, ठहरने की जगह बनाया, वह समा और आसमान को बनाया बिना बिना समय बे नून या बना या बनी बनाना, ये फिर फ्याल बदल से इसम मकबूल है कि बनाई हुई चीज तामीर की हुई चीज इमारत कह लो, मगर वो फिर उलमाए कराम ने लेना आसमान के साथ उसका तर्जमा कर देते हैं छत। अल्लाह ने आसमान को ऊपर चूंकि है तो वो आसमान को फिर छत बनाया। सब बारा कुम सब बारा स्वाद बाबरे सब बारा यु सब तस्वीर, और उसने तस्वीर बनाई कुम तुम्हारी, मतलब उसने तुम्हारी फिर शक्ल बनाई सूरत बनाई। फा तो आसना, उसने आसन बनाया बेहतरीन बनाया। सुवार सुवार असल में है सूरत उनकी जमा, तो उसने तुम्हारी सूरतें जो बनाई ना बेहतरीन सूरतें बनाई। अब देख लो सारे जानदार हैं, कोई आज से चलता है, कोई किसी तरीके से रींगता है, तो अल्लाह कहता है फी अहसन तकवीर, तो
अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन तकवीन पे पैदा किया। वाह और राजा का उसने रिजक दिया कौन तुम को मिनत तैयबात पाकीजा चीजों से। देखो जमीन की पैदावार जी पाकीजा चीजा जी है ना जी, बाकी जड़िया बेहतरीन चीजा उनदे चीजें तुम्हें उसने खाने के लिए दी। देख लो फल ने सब्जियां ने और गले ने वट एवर तो वो मतलब तुम्हें बेहतरीन चीजें खाने को दी। इसके अलावा और भी है जो अनाम के है गोश्त है उनका जो हम खाते हैं तो मतलब है, तुम्हें बेहतरीन तैयबात से इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि जो हराम है वो नहीं है मुर्दार है खून है खंजीर का गोश्त है गैर अल्लाह के जो नाम से करते हैं तो कहा जा रहा है तुम्हें पकीदा चीजों में से उसने तुम्हें खाने के लिए। ज़ालिकुम अल्लाह ये है अल्लाह रब्बुकुम तुम्हारा रब फा तो तबारक अल्लाह बा बरकत है अल्लाह की जात जो रब्बुल आलमीन जो जहान वालों को पालने वाला है जो जहान वालों का रब है। होवल है वही सदा जिंदा है और जिंदगी दूसरों को जिंदगी बख्शते उसकी जिंदगी अबदली और अजली है और उस बाकी हमारी तुम्हारा आप सब की वो उसकी तरफ से अता की हुई है अताई है जबकि उसकी अजली और अब्दी है। ला इला नहीं कोई ला इला मगर होगा वो फदु फा तो उदू तुम पुकारो हु उस अल्लाह को मुखलिसीना खालस करने हुए वैसे तो ये सम फाइल है लहू उस अल्लाह के लिए।